नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई मनोज मौर्य। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, 5 मई को तथागत गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा आ रही है। तो यहाँ से करीब बरेली से काफ़ी लोग जा रहे हैं, आप लोगों को मिलाएंगे उनसे। चलिए आपको मिलाते हैं, जो इस टाइम इनको लोगों को लेकर जा रहे हैं। काफ़ी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, बात करेंगे। तो जैसा कि हमारे साथ बंती जी भी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। तो सर, जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं बुद्धगया के लिए, कहाँ कहाँ से आए हैं आप लोग? देखिए, इस यात्रा में बदायूं, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, इतने जगह के उपासक उपासिकाएँ एकत्रित हुई हैं। और जो यहाँ से लगभग मैं समझता हूँ 250 की से ज़्यादा की संख्या में यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं। और 2586वीं बुद्ध पूर्णिमा मनाने जा रहे हैं, सब लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग भगवान बुद्ध के धम्म को जानें। धम्म और धर्म दो अलग अलग शब्द होते हैं। धम्म का तात्पर्य होता है कि जो अच्छा रास्ता है, जो उन्होंने मार्ग बताया, उसको धम्म कहते हैं। और धर्म कहते हैं कर्मकांड को। बुद्ध ने कहा कर्मकांड से दूर हट करके अच्छे मार्ग पे चलो। तो हम 2586वीं धम्म यात्रा पर सब लोग जा रहे हैं। तो इस यात्रा में सबसे पहले सारनाथ का भ्रमण कराएंगे, जहाँ पे सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध ने जहाँ प्रथम देशना दी थी 5 ब्राह्मणों को, उस स्थान की यात्रा कराते हुए सम्राट अशोक का धम्मेक स्तूप, चौखंडी स्तूप और विभिन्न देशों की मनस्ट्रियों का भ्रमण कराते हुए फिर हम लोग जो है गया की यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। गया में बौद्ध गया पहुँच करके जो महाबोधि महाविहार का दर्शन कराएंगे, सबको भ्रमण कराएंगे, अनेक देशों की मोनेस्ट्रियों का भ्रमण कराएंगे। और बुद्ध पूर्णिमा पे जो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बुद्ध संगीति होगी, उसमें सभी लोग शांतिपूर्ण भाग लेंगे। और उस बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो विभिन्न देशों के मंक, बौद्ध भिक्षु जो देशना देंगे, उसको सभी लोग सुनेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। तत्पश्चात अगले दिन हम सभी जो धम्म यात्री हैं और राजगिरी और नालंदा, जो नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था प्राचीन भारत में 10 विश्वविद्यालय हुआ करते थे। जब विश्व में कोई शिक्षा की नाम की चीज़ नहीं थी, तब भारत में 10 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिसमें प्रमुख रूप से नालंदा विश्वविद्यालय होता था। और उसमें मैं आपको बता दूँ कि 1000 शिक्षक और 10000 छात्र हुआ करते थे। ऐसे स्थल को जो बाद में कालांतर में किन्हीं अतिवादियों द्वारा नष्ट कर दिए गए, वो उसके खंडहर आज भी बोल रहे हैं, जिंदा हैं, मौजूद हैं। उनका हम जो है भ्रमण कराएंगे, सभी लोग उस जगह को देखेंगे, अपनी जो भारत की प्राचीन ऐतिहासिक संस्कृति है, विरासत है, उसको देखेंगे, सभी लोग देखेंगे, जानेंगे, परिचित होंगे और तत्पश्चात उस मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप कह रहे हो, जो विश्वविद्यालय है नालंदा, उसको जलाया क्यों गया था, ये आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, मैंने अभी कहा था कि कुछ अतिवादियों द्वारा, कुछ संप्रदाय विशेष के जो दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाना चाहते थे, ऐसे अतिवादियों द्वारा उसको नष्ट किया गया। अच्छा, जैसा कि जो गौतम बुद्ध जी हैं, वो देश विदेश सब में पूजनीय है, फिर भी गौतम बुद्ध की जयंती हमारे देश में क्यों नहीं मनाई जाती? देखिए, यहाँ के जो जनता है, अज्ञानता के कारण हम लोग जो है बुद्ध पूर्णिमा नहीं मना पाते हैं। जैसा कि अब इस भगवान तथागत गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुए करीब 2400 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, और इतना लंबा समय जो गुजरा है कालांतर में, इस भगवान बुद्ध की विचारधारा को कुछ अतिवादियों द्वारा मिटाया गया, नष्ट किया गया, उनके सांस्कृतिक विरासत को नष्ट किया गया, तो इसलिए लोग उस विरासत को भूल गए। इसलिए मैं मानता हूँ कि भारतवर्ष के जो 85-90% जो जनता है, वो उनके धम्म को भूल गई थी। और हम इसी उद्देश्य को लेकर के कि भारत के जो जनता है, यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध का जो सर्वव्यापी विश्व कल्याणकारी धम्म है, ऐसे धम्म को फिर से लोग जानें और उसका अनुसरण करें, उस मार्ग पर चलें। और जो धम्म को धारण, मैं मानता हूँ, जो धम्म को धारण कर लेता है, वो सभी संप्रदायों को एक समान दृष्टि से देखता है
वो किसी से वैर भावना नहीं रखता है और वो हमेशा सबको करुणा की, मैत्री की निगाह से देखता है, समता की निगाह से देखता है। भगवान बुद्ध का धम्म में ना कोई ऊंचा है का ना कोई नीचा है, यहाँ समता, समानता, करुणा, बंधुता या प्रेम, ये सारी चीज़ें मिलेंगी भगवान बुद्ध के धम्म में। चलिए सर, धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करने के लिए बंती जी भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि बुद्ध के ऐसे क्या कार्य थे जो लोग आज बुद्ध को इतनी भारी जनसंख्या में लोग मानने को तैयार हैं। पहले तो इस देश में लोग गौतम बुद्ध को मानने को तैयार नहीं थे, तो बंदे जी ऐसा क्या कारण है कि लोग पहले बुद्ध को नहीं मानते थे, अब मानने लगे हैं? सर्वप्रथम विश्व वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में त्रिवार नमन करते हुए भिक्खु संघ और उपासक उपासिकाएं त्रिपावन 2586 त्रिपावन बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध की पावन भूमि है और सभी भारत के मूल निवासी उपासक उपासिकाएं इस पावन भूमि के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष उत्साह से हर वर्ष जाते हैं और उस पावन भूमि पर जाकर उस पावन भूमि को देखकर बहुत ही उनके मन में तथागत सम्यक संबुद्ध के विचारों को अपने ऊपर उतारने की सहानुभूति प्रकट होती है। और इसी तरीके से सभी सम्राट दस्तक चैनल के सभी साथियों के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये नंबर एक बरेली प्लेटफार्म पे सम्राट दस्तक, सम्राट अशोक दस्तक के जो है प्रवक्ता लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम भिक्षु संघ, मैं भदंत बोधि रतन थेरो और भिक्षु अशोक संघ यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ लगभग 200 उपासक उपासिकाओं की टीम हमारे साथ है और मैं सभी को लिए यही मंगल कामना करते हैं, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग सुखी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने बंती जी को सुना, जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ पे अब पहले से करीब 2500 लोग यहाँ से जा रहे हैं और आपको बता दें दोस्तों, गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और वहीं देखा जाए तो आज से करीब 5 साल पहले गौतम बुद्ध को बहुत कम मानने वाले लोग थे। दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सम्राट।